जी सुबह कम से कम 7 बजे के करीब हो गया सर, तो पता नहीं कैसे लग गया, कुछ शॉर्टवर्ट हो गया होगा। यहाँ पे बहुत नुकसान हो गया सर, गरीब सब ये थोड़ा सा शॉर्टवर्ट मिला था गरीबों को, अब क्या करेंगे सर, वो भी जल गए, बहुत माल का भी बहुत नुकसान हो गया है, बहुत सारों को नुकसान हो गया सर। यहाँ पे कम से कम 5-6 दुकानें जल गए सर। हाँ सवेरे आए सर, थोड़ा लेट से पहुँच गया सर, नहीं तो कम से कम एक दो दुकानें और बचना था सर, थोड़ा सा लेट से पहुँच गया इसी के लिए थोड़ा जी। यहाँ पे तो बहुत नुकसान हो गया सर, मतलब बहुत संभव ये हिसाब ही नहीं कर सकते सर, क्योंकि बहुत सारे दुकानें जल गए, बहुत नुकसान हो गया सर। हम ये गरीबों के सर, ये सब फुटपाथ वाले सब गरीब वाले फुटपाथ वाले, हमको अपना कम से कम थोड़ा सा ये मिलना चाहिए सर, हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं सर, हमें कम से कुछ हेल्प मिलना चाहिए सर, हम कहाँ जाएँ सर, कैसे बनाएँ सर। हमारे इस हटिंगामा में दूसरे नुकसान सुन सुख हटी पे 5 लाख नुकसान सुन सुख मैं नुकसान सुन सुख 3-4 लाख सामान उत्पन्न नचा पेन एक तुम गवर्नमेंट ये मदद चुबस नचा हमको एक मतलब हम मौजूद थे इस वक्त बस स्टैंड के नज़दीक, जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो दुकानें गई थी, आज सुबह अचानक से शॉर्ट सर्किट होने के बाद दुकानों में आग लगी है। कम से कम 3 से 4 दुकानें जो है वो पूरी तरह जल चुकी हैं और दुकानों के अंदर रखा सामान भी पूरी तरह जल चुका है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों का रोज़गार था उन पर बड़ा असर पड़ा है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका गुजर बसर, घर का गुजारा सब इन्हीं दुकानों से चलता था, लेकिन अचानक लगी शॉर्ट सर्किट से इन लोगों पर, इनके बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब दुकानदारों की एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि इन्हें कंपनसेशन दिया जाए, कुछ इमदाद दिया जाए, ताकि इनका जो नुकसान हुआ है उस पर कहीं न कहीं भरपाई हो जाए। कारगिल से मुदस्सिर अहमद, गुलिस्तान न्यूज़।